इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि बीते समय से भोजपुरी फिल्मों की जो छवि बन गई है वो छवि बमुश्किल ही दूर की जा सकती है, क्योंकि जहन में बसी छाप को धूमिल कर पाना किसी के लिए भी काफी मुश्किल होता है। अगर मुश्किल से कोई ये कर भी दे या फिर करने की कोशिश करे और अलग तरह की काफी फिल्में बनाए तो लोगों द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। वैसे इन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर दर्शक किसी चीज को देखने में रुचि रखते हो और वो चीज उन तक पहुंच ही ना पाए तो फिर क्या होगा। अब भाई इसके लिए पीआर का मजबूत होना काफी जरूरी होता है, लेकिन वो पीआर सिर्फ भोजपुरी जगत तक या फिर बिहार या फिर मुंबई तक सीमित ना रह जाए। काफी जरूरी है कि अगर फिल्म अच्छी व मनोरंजक है तो वो बाकी जगहों तक भी पहुंचे और हिंदी प्रेमियों के दिल में भी जगह बनाए, क्योंकि किसी भी फिल्म की कहानी बड़ी होती है न कि फिल्म में बोली जाने वाली भाषा। अब अगर भाषा बड़ी होती तो हर फिल्म को प्यार मिलता, पर हाँ अपनी भाषा के प्रति प्यार जरूर बड़ा होता है, इसलिए भोजपुरी बोलने वाले लोग अपनी फिल्मों को देखते हैं और उन्हें खूब प्रमोट भी करते हैं। पर जिन्हें भोजपुरी नहीं आती और फिल्मों की कहानी पसंद आ जाती है उनके लिए भी फिल्मों का मजा उठा पाना आसान होना चाहिए, तभी शायद भोजपुरी फिल्म जगत और भी ज्यादा तरक्की कर पाएगा या फिर जो छवि एक बार लोगों के जहन में उसे लेकर बस चुकी है वो बदल पाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से दीक्षा की रिपोर्ट।